नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल इंग्लिश डोजे तभी में। तो मित्रों, आप सबसे पहले यही निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें और यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर टच करें। क्योंकि दोस्तों, आज का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत दिनों से पीटी के रिजल्ट के वेट कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन हुआ था, तो आपको बता दें दोस्तों कि उसी से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। तो आइए ले चलता हूं इस खास जानकारी की तरफ आपको, और बताने वाला हूं दोस्तों कि यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब आपका यूपी ट्रिपल एससी, आप इसे कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा, जिसे पीटी दोस्तों आप प्रीलिमिनरी टेस्ट आप कह सकते हैं, तो आपको बता दूं कि उसका परिणाम बहुत ही जल्द जारी करने की बात यहां पर कही जा रही है। तो आइए पूरी यहां पर अपडेट आपको देता हूं कि क्या है पूरा मामला, और आपको यह भी बता दूं कि बहुत जल्द दोस्तों यहां पर भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस खास अपडेट को, पूरी बात आपको बताता हूं कि क्या पूरा मामला है। इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं आपके रिजल्ट को जारी करने के लिए। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं उनका मूल्यांकन भी दोस्तों हो चुका है। आयोग के अधिकारी के मुताबिक अगर बात करें कि आपको ये बताना चाहूंगा कि जो यहां पर परीक्षा हुई थी उसका जो परिणाम जारी होने के बाद में यहां पर भर्ती के संबंध में संशोधित यहां पर कार्यक्रम दोस्तों जारी किया जाएगा, ऐसा कहा गया है एक अधिकारी के द्वारा। और इसके बाद लगभग 30,000 से अधिक पदों पर यहां भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं यदि आगे की, तो आपको बता दें कि यूपी में समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार ये जो आपका पेट एग्जामिनेशन कराया गया था, और इस परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो इस परीक्षा में पास हो पाएंगे, वही दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आगे पात्र होंगे। आपको बता दें कि पीटी में, मतलब पेट एग्जामिनेशन में 20 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिसका लगभग 85% यहां पर अप्लाई, उन्होंने मतलब अप्लाई करने वालों का 85% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने दोस्तों इसको अटेम्प्ट भी किया था। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार जी की बात करें तो आपको बता दें कि आयोग के जो चेयरमैन प्रवीण कुमार जी हैं, उन्होंने परीक्षा परिणाम को बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसकी तैयारी करवा रहे हैं, और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरे तरह से ध्यान रखा जा रहा है। वीडियोग्राफी भी इसके लिए कराई जा रही है। परिणाम तैयार होने के बाद आयोग की बैठक में इसके जारी करने की तिथि पर भी फैसला किया जाएगा, और इसके बाद से जारी कर दिया जाएगा। आयोग ये चाहता है दोस्तों, आपको बता दें कि पीटी का परिणाम बहुत जल्द ही जारी किया जाए, जिससे जो आपके आगे आने वाले चुनाव हैं उसके सूचना जारी होने के पहले ही यहां पर दोस्तों भर्ती के लिए विज्ञापन को निकाला जा सके। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए ये है कि बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का, और उसके तुरंत बाद लगभग 30,000 पदों के लिए यहां पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो यदि आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करते हुए चैनल को बेल आइकन को जरूर टच करें, ताकि अन्य दिशा निर्देश जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं सही समय से आप तक पहुंचती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ।